थाना अमलेश्वर क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर छल कर 1,81,00,000 रुपए की धोखाधड़ी कर फरार एक ही घर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दुर्ग पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाने में 16 नवंबर 2022 को प्रार्थी नरेंद्र देशलहरे थाने में लिखित शिकायत दर्ज की। उनके रिश्तेदार एवं जान पहचान के लोगों के साथ नौकरी लगाने के नाम पर 1,81,00,000 रुपए को मिलाप लहरे, यशवंत लहरे, गजेंद्र लहरे, श्रीमती पूर्णिमा लहरे के द्वारा धोखाधड़ी की गई तथा पैसा वापस मांगने पर अश्लील गाली गलौज करने की बात कही गई, जो आवेदक के आवेदन पर प्रथम दृष्टिया में 420, 294 भादविका का अपराध घटित होना पाए जाने पर थाना अमलेश्वर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सभी आरोपी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्यवाही की आशंका से अपने निवास से लगातार फरार थे, जिसका पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, जिसे आज मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अमलेश्वर थाने में पिछले साल शिकायत दर्ज की गई थी कुछ लोगों के द्वारा कि नौकरी लगाने के नाम पर उनके साथ ठगी की गई है, पैसे की डिमांड की गई है और कुछ फर्जी प्रमाण पत्र भी, उनको नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस ने FIR किया था और आरोपियों की पता तलाश कर रही थी। आरोपियों को सूचना मिलने पर वो लोग फरार हो गए थे। उनको फिर अभी हमको पकड़ने में कामयाबी मिली है। 4 लोगों को पकड़ा गया है, सभी एक ही परिवार के हैं, माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं। ये लोग अपने जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से नौकरी लगाने के नाम पे पैसे मांगा करते थे और लगभग 8-10 लोगों से इन लोगों ने कुल मिलाकर के 1.5 करोड़ से ऊपर की रकम जो है वो हासिल की है। अभी इनसे पूछताछ करके कोशिश किया जा रहा था कि जो रकम है वो कुछ बरामदगी हो सके, तो अभी फिलहाल तो बहुत बड़ी सफलता इसमें नहीं मिली, लेकिन हमारा प्रयास जारी है कि हम इनके बैंक अकाउंट्स कंगाल करके पूरा रकम वापसी का प्रयास करें। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।